नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई संदीप खांसा सर पे। दोस्तों, आपने जो पिछली दो वीडियो में आपने जो प्यार दिखाया और जो कमेंट आए मोटिवेशनल, उसको कुछ कह नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन बुक में जो टाइम मिस्टेक थी वो मैं साथ ही साथ में PDF भी सेंड कर रहा हूँ बच्चों के पास, जिन बच्चों को मेरे पास व्हाट्सअप आ रहे हैं। और क्लास में भी मैम उनको 2 या 3 क्लास और लगेगी, आपके सारे टाइप मिस्टेक ठीक हो जाएंगे और उसके बाद में जो न्यू एडिशन आएगा वो एकदम परफेक्ट होगा। ठीक है, आज हम करेंगे हरियाणा की सीमा, यानी हरियाणा के किन जिलों की सीमा किन राज्यों के साथ लगती है, और यहाँ पे जो टाइप मिस्टेक आई थी बच्चों को वो भी मैं ठीक करवाऊंगा। ठीक है, तो हरियाणा की देखो, हरियाणा की सबसे पहले बात करें तो हरियाणा में सबसे पहले बात करें तो किस राज्य की सीमा किस जिले के साथ लगती है, देखते हैं। और हरियाणा की सीमा किन राज्यों के साथ लगती है, यानी सबसे ज्यादा किन राज्यों के साथ लगती है, 5 राज्यों के साथ लगती है, लेकिन एचएससी ने सही कौन सा माना है, एचएससी ने सही माना है 4 राज्य, यानी एक राज्य छोड़ दिया है, वो पता नहीं कौन सा छोड़ा है, लेकिन 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है हरियाणा। और कौन कौन से अभी 5 राज्य देखो, 5 राज्य पहला हो जाएगा पंजाब, फिर राजस्थान, राजस्थान के बाद में बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में उत्तराखंड, उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद में हिमाचल प्रदेश, यानी पंजाब की बात करें तो पंजाब कौन सी दिशा में रहेगा, उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। राजस्थान की बात करें तो ये कौन से साइड में रहेगा, पश्चिम दक्षिण में। उत्तर प्रदेश कौन से में रहेगा, पूर्व में। उत्तराखंड की ये भी पूर्व, उत्तर या पूर्व आ जाएगा, लेकिन पूर्व में रहता है। हिमाचल की बात करें तो ये रहेगा पूर्व उत्तर में, यानी ये इन दिशाओं में ये 5 स्टेट रहेगी। सबसे ज्यादा आज, यानी सबसे ज्यादा किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है हरियाणा, तो ये रहेगा राजस्थान के साथ, कितनी, 1262 किलोमीटर। और कम आ जाए तो कौन सा रहेगा, उत्तराखंड, लगभग 11 किलोमीटर। आपको अलग अलग बुकों में अलग अलग मिलेगा, लेकिन लगभग 11 किलोमीटर उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। यानी हरियाणा कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, 5 राज्य, कौन कौन से, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। सबसे कम उत्तराखंड के साथ और सबसे ज्यादा राजस्थान के साथ। केंद्र शासित प्रदेश आ जाए तो कौन से होंगे, केंद्र शासित प्रदेश कौन से रहेंगे, दिल्ली और चंडीगढ़, दिल्ली और चंडीगढ़। ये जो टॉपिक है ना, हम अपनी जो ट्विटर पर हरियाणा है उसमें से ये टॉपिक हम करेंगे बुक की PDF में, यानी आपके जो डाउट है वो भी अब क्लियर हो जाएंगे और आपको बुक की भाषा में अच्छी तरह से समझ आएंगे। ठीक है, और मैप के साथ करेंगे, सबसे बड़ी बात ये है, किसके साथ करेंगे, मैप के बाद। देखो, बुक के अंदर ये मैप डालना था, लेकिन गलती से, यानी टाइप मिस्टेक करें या प्रिंट मिस्टेक करें, गलती से दूसरा मैप डाल दिया गया, लेकिन आप चेंज कर लेना। आपके पास जितने भी 2 या 3 मैप रखना और 2 या 3 4 बार उस मैप को भरना, क्योंकि मैप से ही सीमा करेंगे और मैप से ही हम हरियाणा की नदियां करेंगे और नहरें और सिंचाई, जो सिंचाई नहरें वो भी मैप के साथ करेंगे, और मैप के साथ ही मंडल पुलिस कमिश्नरी और जो पुलिस रेंज है वो भी मैप के साथ करेंगे। NCR का टॉपिक भी हम मैप से करेंगे, यानी कितने टॉपिक हो जाएंगे मैप से। और मैप एक बार किसी भी, यानी भारत का मैप पढ़ लो या हरियाणा का मैप पढ़ दो, एक बार आप मैप पढ़ लेना, मैं कहता हूँ आपको 2 या 3 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। तो मैप से हम करेंगे सबसे, देखो पहले देखो पंजाब के साथ, पंजाब के साथ हरियाणा कितने राज्यों की, कितने जिलों की सीमा साझा करता है पंजाब के साथ। देखो पंजाब कहां पे, देखो पंजाब, पंजाब के साथ कितने जिलों की सीमा टच होती है, सीमा साझा करता है 7। सबसे पहला कौन सा आ जाएगा, पंचकुला, यहां से देखो पंचकुला, सबसे पहला कौन सा आएगा, पंचकुला। पंचकुला से नीचे चले तो कौन सा आ जाएगा, अंबाला। पंचकुला से नीचे कौन सा आ जाएगा, अंबाला। अंबाला से आगे कौन सा आएगा, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से आगे बात करें तो कुरुक्षेत्र से आगे कौन सा आ जाएगा, कैथल। और कैथल से आगे बात करें तो कौन सा आएगा, देखो कैथल से आगे जींद, जींद। और जींद से आगे कौन सा आ जाएगा, फतेहाबाद, फतेहाबाद। और फतेहाबाद से आगे सिरसा। यानी कितने जिलों की सीमा लगती है पंजाब के साथ,
सात जिलों की, कौन कौन से रह जाएंगे? पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा। यानी सात जिलों की सीमा किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ। और फिर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है वो भी आप देख लो एक बार। राजस्थान के साथ देखो, राजस्थान यहां से शुरू होता है, पहले नंबर पर आ जाए राजस्थान के साथ सिरसा। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर कौन सा है? फतेहाबाद। यानी दो या तीन गांव की सीमा फतेहाबाद की राजस्थान के साथ लगती है, तो फतेहाबाद पहला, सिरसा दूसरा, फतेहाबाद तीसरा। देखो हिसार, चौथे की बात करें तो हिसार के बाद में भिवानी, और पांचवें की बात करें तो भिवानी के बाद में कौन सा आ जाएगा? चरखी दादरी की सीमा नहीं लगती, भिवानी के बाद में कौन सा आ जाएगा? महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ के बाद में कौन सा आएगा? रेवाड़ी। यहां से देखो रेवाड़ी, रेवाड़ी, और रेवाड़ी के बाद में सातवें नंबर कौन सा आ जाएगा? मेवाड़। यानी सबसे राजस्थान के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगती है 1262 किलोमीटर। और कितने जिलों की सीमा लगती है? सात। कौन कौन से हो जाएंगे? देखो पहले सिरसा, सिरसा के बाद में फतेहाबाद, फिर हिसार, हिसार, हिसार के बाद में भिवानी, और भिवानी के बाद में देखो महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ के बाद में रेवाड़ी, और फिर कौन सा आ जाएगा अपना? मेवात। यानी कितने जिलों की सीमा लगती है? सात। फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिलों की सीमा लगेगी? उत्तर प्रदेश के साथ भी सात जिलों की सीमा लगेगी, वो कौन कौन से देखो? उत्तर प्रदेश के साथ भी सात जिलों की, सबसे ऊपर देखो उत्तर प्रदेश के साथ यमुनानगर आ जाएगा, सबसे ऊपर देखो यमुनानगर, पहले नंबर पे कौन सा आ जाएगा? यमुनानगर। कौन सा? यमुनानगर। यमुनानगर के बाद में करनाल, किसके साथ सीमा साझा करता है करनाल? किस राज्य के साथ? उत्तर प्रदेश के साथ। और उत्तर प्रदेश किस दिशा में? पूर्व में। फिर कौन सा जगह? पानीपत, जिसे बुनकरों का शहर कहा जाता है, पानीपत। चौथा देखो पानीपत के बाद में सोनीपत, सोनीपत सोनीपत दिल्ली क्रॉस करने के बाद फिर देखो फरीदाबाद, फरीदाबाद, और फरीदाबाद के बाद में देखो पलवल, और पलवल के बाद में कौन सा जाएगा? मेवाड़। यानी मेवाड़ दो राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, कौन सा? राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ। इसी तरह हम अगर यमुना नदी पड़ेगा तो यमुनानगर से फिर वो करनाल, करनाल से पानीपत, पानीपत से सोनीपत, फिर दिल्ली क्रॉस करने के बाद फरीदाबाद, और पलवल के हसनपुर नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो यानी जो मैप के साथ नदी भी करेंगे वो भी अपने लिए आसान हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिलों की सीमा लगी? सात जिलों की। कौन कौन से है एक बार फिर रिपीट करते हैं। पहला कौन सा रहेगा? यमुनानगर, उसके बाद में करनाल, करनाल के बाद में पानीपत, पानीपत के बाद में सोनीपत, फिर दिल्ली क्रॉस करने के बाद फरीदाबाद, पलवल और मेवात। यानी ये जिले किसके साथ सीमा साझा करते हैं? उत्तर प्रदेश के साथ। अब उत्तराखंड की बात करें तो उसके बाद उत्तराखंड आता है, उत्तराखंड के साथ देखो, उत्तराखंड के साथ एकमात्र जिला कौन सा है जो सीमा साझा करता है? यमुनानगर, यमुनानगर उत्तराखंड के साथ। देखो 11 किलोमीटर की सीमा कौन सा जिला साझा करता है? उत्तराखंड। और फिर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के साथ हिमाचल प्रदेश के साथ कितने जिले लगते हैं? तीन जिले। कौन सा रहेगा? एक तो यमुनानगर रहेगा, यमुनानगर। कौन कौन से जिले रहेंगे हिमाचल प्रदेश के साथ? देखो पहला यमुनानगर, फिर रहेगा अंबाड़ा, और फिर पंचकुला। यानी हिमाचल प्रदेश के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तीन, यमुनानगर, यमुनानगर के बाद अंबाला, अंबाला के बाद पंचकुला। कितने जिले लगते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ? तीन जिले। कौन कौन से देखो? यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला। एक जगह क्वेश्चन दे रखा है टाइप में, कौन सा क्वेश्चन? शायद 19 मानक नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या दे रखा है पे? उत्तर प्रदेश की जो हिमाचल प्रदेश है ना, यहाँ पर आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश कर रखा है, तो वहां पे ठीक कर लेना आप, ठीक है? क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है? इसके बाद में देखो केंद्र शासित प्रदेश कितने बताए थे मैंने? दो, चंडीगढ़ और दिल्ली, पहला चंडीगढ़ और दूसरा
दिल्ली, तो चंडीगढ़ के साथ किस जिले की सीमा लगती है? तो एकमात्र जिला रहेगा पंचकुला, एकमात्र जिला पंचकुला। और दिल्ली की बात करें, दिल्ली के साथ देखो सोनीपत, नंबर एक सोनीपत दिल्ली के साथ। सोनीपत के बाद में देखो झज्जर, झज्जर तीसरा कौन सा रहेगा? गुरुग्राम। और चौथा कौन सा रहेगा? फरीदाबाद। यानी दिल्ली के साथ कितनी जिलों की सीमा लगती है? चार जिलों की। कौन कौन सी है वो? सोनीपत, उसके बाद झज्जर, झज्जर के बाद गुरुग्राम, फरीदाबाद। यानी सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद, इन चार जिलों की सीमा किसके साथ लगती है? इनकी सीमा लगती है दिल्ली के साथ, ठीक है। फिर बात करें ऐसे दो ऐसे जिले भी हैं जिनकी सीमा एक जिले के साथ लगती है, तो कौन से रहेगा? पंचकुला और सिरसा, पंचकुला और सिरसा। अब देखो पंचकुला चंडीगढ़ के साथ सीमा साझा करता है लेकिन अंबाला के साथ, यानी एक जिले की सीमा लगती है, तो किसकी लगती है पंचकुला के साथ? अंबाला की। सिरसा की बात करें तो सिरसा दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, पंजाब और राजस्थान के साथ, लेकिन एक जिला कौन सा लगता है? फतेहाबाद, फतेहाबाद। यानी दो ऐसे जिले हैं जिनके साथ एक एक जिलों की सीमा लगती है, ठीक है। और उसके बाद दो ऐसे जिले भी हैं जिनकी सीमा, दो जिले जिनकी सीमा ना तो किसी राज्य के साथ लगती है और ना ही किसी केंद्र शासित प्रदेश के साथ। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कौन से जिले रहेंगे? रोहतक और चरखी दादरी, रोहतक और चरखी दादरी। दोस्तों ये जो मैं करवा रहा हूँ ये पीडीएफ की लैंग्वेज में हम अपने ट्यूटर ऑफ हरियाणा बुक से पढ़ेंगे। तो दो जिले ऐसे कौन से जिनकी सीमा? रोहतक और चरखी दादरी। ऐसे दो जिले जिनकी सीमा ना तो किसी केंद्र शासित प्रदेश और ना किसी राज्य के साथ लगती है, ठीक है। अब बात करता हूँ, एक बच्चों का डाउट आ रहा है, टाइप मिस्टेक है वहां पर, कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन बच्चे फिर भी मेरे पास व्हाट्सएप करें, मैं उनको बताता हूँ। अब देखो सबसे पूर्व में गांव आ जाए तो कौन सा रहेगा? यमुनानगर के अंदर ताज्जेवाला, ताज्जेवाला। और पश्चिम की बात करें तो कौन सा रहेगा? चुटाला। पश्चिम की बात करें कौन सा रहेगा? चुटाला। और पूर्व की बात करें तो ताज्जेवाला। उत्तर की बात करें तो शाहपुर और पश्चिम की बात करें तो मेवात के अंदर दोहा, मेवात के अंदर दोहा। अब उत्तरी आकांक्षा और पूर्वी देशांतर की बात करें तो उत्तरी आकांक्षा में दोहा यहां पे कितना रहेगा? 27 डिग्री 39 मिनट, कितना रहेगा? 27 डिग्री 39 मिनट। उसके बाद में बात करें जो अपना शाहपुर है ये कितना रहेगा? शाहपुर 30 डिग्री 55 मिनट, 30 डिग्री 55 मिनट। अगर चुटाला की बात करें तो चुटाला गांव किस पूर्वी देशांतर के बीच में है? 74 डिग्री 27 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट। यानी ताज्जेवाड़ा कहां पर रहेगा? 77 डिग्री 36 मिनट पे। यहाँ पे डाउट था, ये भौगोलिक संरचना वाला टॉपिक ना वहां पे तो सही दे रखा है, लेकिन जो अपने क्वेश्चन है ना वहां पे ये मिस्टेक थी, 74 27 से 77 36 वाले। तो वह आराम से बच्चे आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि जो बच्चे डाउट भेजते हैं ना उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो बुक से डाउट निकाल रहे हैं और पूछ रहे हैं बार बार। और सबसे अच्छा यह मैंने हमने व्हाट्सएप नंबर दिया, ये और भी अच्छा होगा, उनके डाउट है ना वो क्लियर हो रहे हैं। तो ये देखो पूर्वी देशांतर की बात करें तो 74 27 से 77 36, और उत्तरी आकांक्षा की बात करें तो 27 39 से 30 55। और पूर्व में गांव आ जाए तो कौन सा रहेगा? ताज्जेवाड़ा। पश्चिम में आ जाए तो चुटाला गांव सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उत्तर में शाहपुर पंचकुला के अंदर। और दक्षिण की बात करें तो दोहा मेवात के अंदर। ये रहेगा हमारा, ठीक है। अब देखो बुक की लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं, बुक की भाषा में पढ़ते हैं, वहां पे देखो कितना आसान हो जाएगा मैप समझने के बाद में। हरियाणा की सीमाएं, हरियाणा की सीमाएं, हरियाणा राज्य की सीमा पांच राज्यों के साथ सीमाएं लगती है। कौन कौन से पांच राज्य? मैंने बताया था राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश।
लेकिन हरियाणा भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है। लेकिन यहाँ पे नोट देखो, नोट HSC ने हरियाणा की सीमा चार राज्यों के साथ सही माना है। कितने राज्यों के साथ रखती है? पांच। लेकिन HSC ने कितना माना है? चार। ये नहीं पता कौन से के साथ नहीं माने, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं उत्तराखंड के साथ नहीं माने। लेकिन जो भारत की भौगोलिक संरचना पढ़े ना, भौगोलिक पढ़े ना, तो उसमें पांच राज्यों के साथ हरियाणा की सीमा लगती है। देखो हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। हरियाणा भारत के किस में, किस दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम में। हरियाणा भारत का भूबंध यानी लैंड लॉक राज्य यानी समुद्र की सीमा किसके नहीं लगती? हरियाणा के साथ। हरियाणा से पहले 16वां राज्य कौन सा बना था? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड बना था। कौन सा बना था? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड बना था। यानी 16वां राज्य कौन सा बना था? नागालैंड। और 17वां कौन सा हो गया अपना? हरियाणा। 17वां कौन सा हो गया? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के बाद 18वां राज्य 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश बना। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और भारत का 15वां राज्य व भाषा के आधार पर 1953 में पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया था। भारत का 15वां राज्य भाषा के आधार पर यानी पहला राज्य 1953 में कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। अब देखो जो मैंने करवाया है हरियाणा की सीमा जिले, तो नोट देखो, चरखी दादरी और रोहतक ऐसे दो जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य को या केंद्र शासित प्रदेश को, केंद्र शासित प्रदेश के साथ नहीं लगती, नहीं ना तो किसी राज्य के साथ लगती और ना ही किसी केंद्र शासित प्रदेश के साथ। दिल्ली की बात करें तो यह हरियाणा के पूर्व में स्थित है। इसके साथ हरियाणा के चार जिलों की सीमा लगती है। कौन कौन से? देखो देखो, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। दिल्ली के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? चार जिलों की। कौन कौन से? सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। उसके बाद देखो नोट, सिरसा व फतेहाबाद की सीमा दो राज्यों के साथ लगती है, वह राज्य राज्य राजस्थान व पंजाब। यानी दो जिले आ जाए कौन से? सिरसा और फतेहाबाद आ जाए, जिनकी सीमा किन राज्यों के साथ लगती है? राजस्थान और पंजाब के साथ। मैंने मेवात भी बताया, मेवात के साथ किसकी लगती थी? उत्तर प्रदेश और राजस्थान की, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की। ठीक है, अभी हिमाचल की बात में देखो, हिमाचल प्रदेश यह हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके साथ हरियाणा के तीन जिलों की सीमा लगती है। कौन कौन से? यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला। कौन कौन से? यमुनानगर, पंचकुला और अंबाला। उत्तराखंड की बात करें तो यह हरियाणा के पूर्व में स्थित है, या उत्तर पूर्व में आ जाए तो भी ठीक रहेगा, लेकिन हरियाणा के पूर्व में स्थित है। तो इसके साथ हरियाणा के एक जिला, एकमात्र जिला कौन सा? वो यमुनानगर। यानी 11 किलोमीटर की सीमा सबसे कम किसके साथ लगती है? उत्तराखंड के साथ। और यमुनानगर एकमात्र ऐसा जिला है हरियाणा का, यमुनानगर, जिसकी सीमा तीन राज्यों के साथ लगती है। कौन कौन से है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। यानी यमुनानगर की सीमा तीन राज्यों के साथ लगती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। आगे देखो, उत्तर प्रदेश यह हरियाणा के पूर्व में स्थित है। इसके साथ सात जिलों की सीमा लगती है। कौन कौन सी है? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और मेवात। यानी उत्तर प्रदेश साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? सात जिलों की। कौन कौन सी है? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और मेवात। कहां पे रहेगा ये? हरियाणा के पूर्व में। राजस्थान हरियाणा के पश्चिम दक्षिण में स्थित है। इसके साथ हरियाणा के सात जिलों की सीमा लगती है। सात जिले कौन कौन से? देखो, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवाड़ी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। यानी राजस्थान के साथ कितने जिलों की सीमा लगी? सात। कौन कौन से? देखो, सबसे पहले कौन सा किया था हमने मैप के अंदर? सिरसा। फिर कौन सा किया? फतेहाबाद। फिर हिसार, भिवाड़ी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी और मेवात। राजस्थान के साथ हरियाणा की सबसे लंबी सीमा लगती है, कितनी है? 1262 किलोमीटर। कितनी सीमा लगती है? 1262 किलोमीटर। सबसे कम आ जाए तो उत्तराखंड के साथ। पंजाब के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? पंजाब के साथ हरियाणा के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसके साथ हरियाणा के सात जिलों की सीमा लगती है। सात जिले कौन से? देखो, सिरसा आ जाएगा, मैंने मैप में अभी समझाया आपको। सिरसा, सिरसा के बाद फतेहाबाद, जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाड़ा और पंचकुला। यानी आप मैप में चले थे ऊपर से, पंचकुला, अंबाड़ा, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, फतेहाबाद, सिरसा। ठीक है, मेवात आ गया। मेवात के साथ भी दो राज्यों की सीमा लगती है, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के साथ। दो जिले और कौन से बताए थे? सिरसा और कौन सा बताया? सिरसा और
फतेहाबाद, सिरसा और फतेहाबाद ऐसे दो जिले थे जिसकी सीमा पंजाब और राजस्थान के साथ लगी। मेवात भी ऐसा जिला जिसके राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। अब बच्चों का एक डाउट यहां भी आ रहा है, देखो करवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। डाउट तो डाउट करने के लिए, डाउट दूर करने के लिए हम यहाँ पे हैं। तो झज्जर, झज्जर हरियाणा का एकमात्र जिला नहीं, यहाँ पे आपको ठीक करना पड़ेगा। झज्जर और गुरुग्राम आ जाए यहाँ पे। झज्जर और गुरुग्राम हरियाणा के दो ऐसे जिले हैं जिनकी जिनके साथ केवल केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सीमा लगती है, नहीं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है, न कि किसी अन्य की राज्य की सीमा। यानी केंद्र शासित प्रदेश के साथ दो ऐसे जिले कौन से हैं जिनकी ओनली केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगती है, तो वो कौन से रहेंगे? झज्जर और गुरुग्राम। झज्जर और गुरुग्राम, ठीक है। पंचकुला की बात करें, पंचकुला हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमा दो राज्य पंजाब हिमाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। यानी पंचकुला एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ भी लगती है, पंजाब के साथ लगती है, और केंद्र शासित प्रदेश जो हरियाणा की राजधानी है उसके साथ भी किसकी सीमा लगती है? पंचकुला की, चंडीगढ़ के साथ। यानी दो जिले, तीन जिले ऐसे थे, मेवात जिसकी सीमा किसके साथ लगी थी? राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ, और सिरसा और फतेहाबाद जिसकी सीमा लगी थी पंजाब और राजस्थान के साथ। अब आ गया पंचकुला, पंचकुला की सीमा किसके साथ लगती है? दो तो राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के साथ, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में भी आ रहा है, और बुक की एक बार क्लास देखने के बाद जब आप बुक पढ़ोगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, जींद, जींद को हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जींद को हरियाणा का हृदय कहा जाता है। दिल नहीं, दिल, हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? जींद को। जींद ऑप्शन में ना हो तो रोहतक को भी कहा जाता है, रोहतक। राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? रोहतक को। लेकिन सबसे पहले हमें प्रायोरिटी किसे देनी पड़ेगी? तो जींद को देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे बच्चों का एक डाउट ये भी आ रहा है भाई, मैंने पंजाब जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट को उसके अंदर लिखा भाई पेरिस ऑफ हरियाणा। बच्चों मैं आपको बताता हूँ, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी होगी करनाल, अगर करनाल ऑप्शन में ना हो तो पंचकुला भी पेरिस ऑफ हरियाणा कहा जाता है, ठीक है। जींद हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है। इसके साथ हरियाणा के 7 जिलों की सीमा लगती है, और जो सबसे ज्यादा जिलों की सीमा लगती है जैसे फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद, कैथल और करनाल, यानी 7 जिलों की सीमा। एक जिला ऐसा कौन सा जिसके साथ 7 जिलों की सीमा लगती है? तो कौन सा रहेगा? जींद। अगर याद ना हो देखो एक ट्रिक है छोटी सी, एच आर यानी हरियाणा का एस पी क्या क्या फेंकता है, ठीक है। हरियाणा का एसपी क्या क्या फेंकता है, तो कौन सा हो जाएगा? हिसार। हिसार के बाद में कौन सा हो जाएगा? रोहतक। इसको हम कुछ नहीं कह सकते, इसके और जाएगा सोनीपत, यानी के हम इसको साइलेंट कर देंगे। सोनीपत, सोनीपत के बाद में देखो पानीपत, पानीपत के बाद में कैथल, और कैथल के बाद में करनाल, और अब से आ जाएगा फतेहाबाद। तो कितने जिन के साथ कितने जिलों की सीमा लगी? 7 जिलों की। कौन से थे? हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, कैथल, करनाल और फतेहाबाद। यानी जिन के साथ सबसे ज्यादा जिलों की सीमा लगती है रोहतक। रोहतक के साथ हरियाणा के 6 जिलों की सीमा लगती है, हिसार, भिवानी, चरखी, जींद, सोनीपत और झज्जर। यमुनानगर मैंने एक मात्र ऐसा जिला बताया जिसके साथ 3 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन सी है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और जो मैप था वो भी हमने चेंज करवा दिया, और मैप में ही आज मैंने ये क्लास ली है। आप घर पे 2 या 3 बार मैप जरूर भरना, उसमें क्या होगा, मैप से भरने से आपको जिले भी याद हो जाएंगे, नदियां भी याद होगी, और नहरें भी हम मैप के ऊपर करेंगे, तो ये आपके लिए आसानी से रहेगा, आसान रहेगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ लगातार कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे, और जो बुक के जो डाउट थे ना वो मैंने लगभग बच्चों के क्लियर कर दिए, और जिनके भी नहीं हुए ना वो मेरे पास एक बार व्हाट्सअप कर दो, उसी टाइम जस्ट 1 मिनट के अंदर मैं रिप्लाई करता हूँ सभी बच्चों के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप मेरे पास व्हाट्सअप भी करोगे, और आपने बुक का जो रिव्यू दिया है ना, जो कमेंट करते हैं ना बच्चा, सच में एकदम दिल खुश हो जाता है, और कहते हैं ना खुशी वाली रात कौन सो पाता है, और दुख वाली रात रात नींद नहीं आती, इतनी खुशी होती है। तो हम बच्चों का रिव्यू देख के बहुत अच्छा लगता है, तो आप उम्मीद करता हूँ लगातार मेहनत करते रहो, सिलेक्शन लेते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।